गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू श्री एकनाथराव खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आई एम सचिन पाटिल योर कंप्यूटर टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू माउस। व्हाट इज आवर चैप्टर नेम? इंट्रोडक्शन टू माउस। वर्कशीट फर्स्ट, यू राइट your name, I am writing my name here in this way. Okay, now see, mouse, have you seen the picture? Yes, it is the mouse. Introduction to mouse. Now in this chapter, what we are going to learn? Types of mouse, एंड हाउ टू होल्ड द माउस, माउस को कैसे पकड़ा जाता है, एक्शन ऑफ माउस, माउस कौन सी एक्शन करता है, एंड टच पैड इन द लैपटॉप, लैपटॉप में माउस के अलावा वहां पर क्या होता है, टच पैड होता है, क्या होता है, टच पैड। सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ माउस, होल्डिंग ऑफ माउस, एक्शन ऑफ माउस एंड टच पैड इन अ लैपटॉप। सी नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, माउस। व्हाट इज माउस? माउस क्या होता है? सी अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस। क्या होता है वो? इनपुट डिवाइस। अभी इनपुट डिवाइस माने क्या? डिवाइस माने चीज, जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइस। और इनपुट माने क्या? इनपुट मीन्स व्हाट? इनपुट मतलब जो कंप्यूटर को कमांड देता है, कंप्यूटर को वर्क देता है, कंप्यूटर को कुछ एक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। जो कंप्यूटर को देता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज पॉइंटिंग डिवाइस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, उसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज यूज टू, इट इज यूज टू ड्रॉ एंड मूव द पिक्चर ऑन द मॉनिटर। तो माउस किस लिए यूज होता है? माउस इज यूज टू ड्रॉ एंड मूव द पिक्चर ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए एंड मूव करने के लिए माउस का यूज होता है। माउस को इनपुट डिवाइस कहते हैं, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस किस लिए यूज होता है? ड्राइंग के लिए एंड पिक्चर को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करने के लिए, मूव करने के लिए माउस का यूज होता है। अ माउस हैज टू और थ्री बटन्स। माउस को कितने बटन्स होते हैं? टू और थ्री बटन्स होते हैं। आया समझ में? नाउ अभी उन बटन्स को देखते हैं हम लोग। बटन्स ऑन माउस, हैव यू सीन दिस पिक्चर? यहां पर तीन बटन दिखाई दे रहे हैं। वन इज लेफ्ट माउस बटन, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट माउस बटन, दिस इज कॉल्ड राइट माउस बटन एंड दिस इज कॉल्ड स्क्रोल व्हील। इसे क्या कहते हैं? स्क्रोल व्हील। क्या कहते हैं इसे? स्क्रोल व्हील। आया समझ में? नाउ अ माउस हैज थ्री बटन्स, दीज आर लेफ्ट माउस बटन एंड अ माउस हैज थ्री बटन्स ऑन इट, लेफ्ट माउस बटन, अगेन राइट माउस बटन एंड
One is scroll button. Third is scroll button. आया समझ में? Left mouse button, right mouse button and scroll button. These are the three buttons. Now, अभी हम लोग देखेंगे types of mouse. कितने types के mouse होते हैं? देखिए, types of mouse. ये जो picture दिखाई दे रहा है, have you seen this picture? इसे कौन से टाइप का माउस कहते हैं? वायर्ड माउस कहते हैं. क्या कहते हैं? वायर्ड माउस, जिसे वायर होती है, जिसको वायर अटैच होती है, उसे वायर माउस कहते हैं. दिस टाइप ऑफ माउस इज अटैच टू द कंप्यूटर. दिस टाइप ऑफ माउस इज अटैच टू द सीपीयू, अटैच टू द सीपीयू बाय अ वायर. कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू को अटैच किया जाता है वायर के साथ. उस सीपीयू को अटैच किया जाता है द वायर. ये वायर क्या काम करती है? अभी ये जो वायर है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस वायर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वायर? द वायर कैरीज. क्या करती है वो? कैरी करने का काम करती है, लेके जाने का काम करती है. क्या लेके जाती है वो? द वायर कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द माउस. कहां से लेके जाती है? माउस से. और कहां तक लेके जाती है? टू द सीपीयू, टू द सीपीयू, सीपीयू तक लेके जाती है. द वायर कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द माउस टू द सीपीयू. पहला माउस देख रहे हैं हम लोग, वायर्ड माउस, मतलब जिस माउस को वायर होती है उसको वायर्ड माउस कहते हैं. दिस टाइप ऑफ माउस इज अटैच टू द सीपीयू बाय वायर. इस तरह का माउस कहां पर अटैच किया जाता है? सीपीयू को. किससे अटैच किया जाता है? बाय द वायर. अभी ये वायर क्या काम करती है? द वायर कैरीज द इंफॉर्मेशन. वो क्या कैरी करती है? इंफॉर्मेशन कैरी करती है. कहां से? माउस से. कहां तक? सीपीयू तक, क्योंकि उसको सीपीयू को जोड़ते हैं, इसलिए वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है माउस से सीपीयू तक. आया समझ में? फर्स्ट टाइप, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? वायर्ड माउस. नाउ द नेक्स्ट इज वायरलेस माउस. नेक्स्ट इज वायरलेस माउस. हैव यू सीन दिस पिक्चर? व्हाट इज हियर? माउस इज हियर बट देर इज नो वायर. यहां पर वायर नहीं है. देर इज नो वायर हियर. सो इट इज कॉल्ड एज ए वायरलेस माउस. इसको वायरलेस माउस कहा जाता है. दिस टाइप ऑफ माउस डज नॉट हैव वायर्स अटैच टू द सीपीयू. इस माउस को वायर नहीं होती है सीपीयू को अटैच करने के लिए, सीपीयू से जोड़ने के लिए इसको वायर नहीं होती है. तो फिर ये कैसे काम करता है? सी द सिग्नल्स फ्रॉम द माउस रीच द सीपीयू. द सिग्नल्स फ्रॉम द माउस रीच टू द सीपीयू. सिग्नल्स माने क्या? इस माउस के नीचे एक रेड कलर का लाइट होता है. एट द बॉटम ऑफ दिस माउस देर इज अ रेड कलर लाइट. रेड कलर लाइट, दैट लाइट इमर्ज द सिग्नल्स. व्हाट? दैट लाइट इमर्ज, मतलब वो लाइट क्या करता है? सिग्नल निकालता है. एंड दैट सिग्नल रीच द सीपीयू. वो सिग्नल सीपीयू तक जाते हैं बाय एयर, हवा से वो सिग्नल सीपीयू तक जाते हैं. द सिग्नल्स फ्रॉम द माउस रीच द सीपीयू विदाउट वायर्स. बिना वायर के वो सिग्नल सीपीयू तक जाते हैं. सी दिस माउस वर्क्स वेरी मच लाइक टीवी रिमोट. इस तरह का माउस टीवी रिमोट के जैसा काम करता है. हम लोग टीवी के सामने बैठते हैं और रिमोट चलाते हैं और टीवी ऑन हो जाता है. तो वैसे ही
ये बिना वायर वाला माउस भी कंप्यूटर को चलाता है. सी द डैश डैश माउस, द बॉल माउस हैज अ बॉल अंडर इट. अभी बॉल माउस, बॉल माउस, बॉल माउस मतलब जिस माउस के नीचे लाइट नहीं होता है, उसके नीचे क्या होता है, एक छोटा बॉल होता है. द माउस, द बॉल माउस हैज बॉल अंडर इट, इट हेल्प्स टू मूव द माउस. वो जो बॉल होता है, वो बॉल उस माउस माउस को मूव होने के लिए हेल्प करता है. जिस माउस के नीचे लाइट नहीं है तो उसके नीचे बॉल होता है, और दैट बॉल हेल्प्स टू मूव द माउस, और वो बॉल माउस को मूव होने के लिए हेल्प करता है. द बॉल माउस हैज द लाइट, द ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस हैज द लाइट सोर्स दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर. द ऑप्टिकल माउस, जो ऑप्टिकल माउस होता है जिसके नीचे लाल लाइट होता है, दैट लाइट सोर्स, वो क्या लाइट क्या करता है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर. माउस का जो पॉइंटर होता है वो पॉइंटर को मूव करने के लिए हेल्प करता है ऑप्टिकल माउस. आया समझ में? तो बॉल माउस एंड ऑप्टिकल माउस, बॉल माउस के नीचे क्या होता है, बॉल होता है, ऑप्टिकल माउस के नीचे क्या होता है, लाइट होता है. आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट द माउस, वायरलेस माउस. नाउ होल्डिंग अ माउस, माउस को कैसे होल्ड किया जाता है. सी हाउ टू होल्ड अ माउस. पोजिशन योर पाम ऑन द माउस, पोजिशन योर पाल, पाम, पाम मतलब इसे कहते हैं हमारा पाम, क्या कहते हैं इसे, दिस इज अवर पाम. इस हथेली को क्या कहते हैं, पाम कहते हैं. नाउ पोजिशन योर पाम ऑन द माउस, मतलब माउस पर उसको ऐसे रखना है, हमारा हाथ ऐसे रखना है. पोजिशन योर पाम ऑन द माउस. प्लेस योर इंडेक्स फिंगर, कौन सी फिंगर रखनी है, इंडेक्स फिंगर, कौन सी फिंगर, फिंगर, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फिंगर, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं. इसे कौन सी फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन, ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन. हमारी इंडेक्स फिंगर कहां पर रखनी है, ऑन द लेफ्ट माउस बटन. प्लेस योर मिडल फिंगर, मिडल फिंगर कौन सी, इसे मिडल फिंगर कहते हैं, इसे, दिस इज कॉल्ड मिडल फिंगर, इसे मिडल फिंगर कहते हैं, कौन सी फिंगर कहते हैं, मिडल फिंगर. प्लेस योर मिडल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन पे कौन सा रखना है, इंडेक्स फिंगर, एंड राइट माउस बटन पे कौन सा रखना है, मिडल फिंगर. आया समझ में? नाउ मूव द माउस एंड सी, नाउ मूव द माउस एंड सी द मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन. नाउ मूव द माउस एंड सी द मूवमेंट ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन. मतलब पहले हम लोग क्या, व्हाट वी प्लेस, वी पोजिशन अवर पाम ऑन द माउस, पहले हमारा हाथ रखेंगे, फिर प्लेस योर इंडेक्स फिंगर, हमारी इंडेक्स फिंगर रखेंगे, देन वी कैन प्लेस अवर मिडल फिंगर, हम लोग हमारी मिडल फिंगर रखेंगे, प्लेस अवर मिडल फिंगर ऑन द माउस. नाउ मूव द माउस एंड सी द मूवमेंट ऑन द माउस ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट हम लोग देखेंगे. आया समझ में? नाउ एक्शन ऑफ माउस, एक्शन ऑफ माउस, माउस के एक्शन कौन से एक्शन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, अगेन राइट क्लिक, ड्रैग एंड स्क्रोल, 1 2 3.
फोर फाइव, कितने एक्शंस होते हैं? फाइव एक्शंस होते हैं. कितने एक्शंस होते हैं? फाइव एक्शंस ऑफ माउस, फाइव एक्शंस. पहला एक्शन है लेफ्ट क्लिक, दूसरा एक्शन है डबल क्लिक, तीसरा एक्शन है राइट क्लिक, चौथा एक्शन है ड्रॉप एंड पांचवा एक्शन है स्क्रोल, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड स्क्रोल. अभी हम लोग पहला एक्शन देखेंगे लेफ्ट क्लिक. लेफ्ट क्लिक प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, दबा के रखो और छोड़ो. प्रेसिंग मतलब दबा के रखो, प्रेस करके रखो. प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस वंस. वंस मीन्स सिर्फ एक बार, वंस मीन्स सिर्फ एक बार क्या करना है? लेफ्ट बटन प्रेस करके छोड़ना है. प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, प्रेसिंग मतलब दबा के रखो और रिलीजिंग मतलब छोड़ दो. हाँ, मतलब एक बार लेफ्ट बटन दबाकर छोड़ दो, उसे कहते हैं लेफ्ट क्लिक. लेफ्ट क्लिक का मतलब क्या? हाँ, लेफ्ट बटन एक बार दबाकर छोड़ दो, उसे कहते हैं लेफ्ट क्लिक. प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस वंस. लेफ्ट क्लिक, उसे कहते हैं लेफ्ट क्लिक. लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट एन आइटम. लेफ्ट क्लिक क्या करता है फिर? लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है? आइटम सिलेक्ट होते हैं. लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट एन आइटम्स ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे जो आइटम्स होते हैं, कोई पिक्चर होता है, कोई फाइल होती है, उसको सिलेक्ट करने का काम करते हैं कौन? लेफ्ट क्लिक. लेफ्ट क्लिक कैसे किया जाता है? लेफ्ट माउस बटन एक बार दबाकर छोड़ दो, हा? तब लेफ्ट क्लिक होता है. और लेफ्ट क्लिक से क्या होता है? लेफ्ट क्लिक से आइटम सिलेक्ट होता है. आया समझ में? हाँ. अभी डबल क्लिक. डबल क्लिक कैसे किया जाता है? हाउ टू डू द डबल क्लिक? प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, लेफ्ट बटन ऑफ द माउस ट्वाइस इन अ क्विक सक्सेशन. ट्वाइस मतलब दो बार, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, मतलब दो बार, दो बार इन क्विक सक्सेशन. इन क्विक सक्सेशन मतलब जल्दी से, जल्दी से दो बार लेफ्ट बटन दबाकर छोड़ दो. जल्दी से लेफ्ट बटन दो बार दबाकर छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड डबल क्लिक. व्हाट इज डबल क्लिक? प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, दबाकर छोड़ दो. क्या? लेफ्ट बटन किसका? माउस का, ऑफ द माउस. कितनी बार? दो बार. कैसे? जल्दी. हाँ, मतलब माउस का लेफ्ट बटन जल्दी से दो बार दबाकर छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड डबल क्लिक. आया समझ में? डबल क्लिक, डबल क्लिक ओपन. डबल क्लिक करने से क्या होता है? डबल क्लिक ओपन, ओपन एन आइटम ऑन द मॉनिटर. डबल क्लिक करने से क्या होता है? कोई भी आइटम ओपन होता है मॉनिटर पे. मॉनिटर पे कोई भी आइटम होगा तो ओपन होने का काम करता है कौन? डबल क्लिक. नाउ टर्न द पेज हियर. राइट क्लिक, राइट क्लिक कैसे किया जाता है? प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ द राइट बटन, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ द राइट बटन ऑफ द माउस. माउस का राइट बटन प्रेस करके छोड़ दो, उसे कहते हैं माउस. प्रेसिंग एंड रिलीजिंग राइट बटन ऑफ द माउस वंस, एक बार.
माउस वंस, एक बार राइट बटन दबाकर छोड़ दो, किसका, माउस का, उसे क्या कहते हैं, उसे राइट क्लिक कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट क्लिक, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ द राइट बटन ऑफ द माउस वंस, एक बार दबाकर छोड़ दो राइट बटन, राइट, तो फिर राइट क्लिक करने से क्या होता है, राइट क्लिक करने से क्या होता है, राइट क्लिक, राइट क्लिक ओपन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड, राइट क्लिक ओपन अ लिस्ट ऑफ कमांड्स, कमांड की लिस्ट ओपन करता है, राइट क्लिक ओपन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इट, मतलब ड्रैग मतलब क्या है, रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इट, ड्रैग का मतलब कि लेफ्ट माउस बटन दबाकर छोड़ना, रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इट, मतलब लेफ्ट माउस बटन दबाकर मूव करने के बाद छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड ड्रैग, लेफ्ट माउस बटन दबाकर छोड़ना मतलब ड्रैगिंग। ड्रॉप, रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इट। स्क्रोल, स्क्रोल का मतलब क्या होता है, मूविंग द स्क्रोल व्हील मूव्स अ पेज अप एंड डाउन, स्क्रोल का मतलब क्या होता है, मूविंग द स्क्रोल व्हील मूव्स अ पेज अप एंड डाउन, स्क्रोल करने से क्या होता है, हमारा जो पेज होता है कंप्यूटर पे, जो हम लोगों का स्क्रीन होता है, वो स्क्रीन में क्या होता है, मूव होता है, अप एंड डाउन, मूव्स अ पेज अप एंड डाउन, मूविंग अ स्क्रोल व्हील मूव्स अ पेज अप एंड डाउन, कोई भी प्रोग्राम का जो पेज होता है वो अप एंड डाउन करने के लिए स्क्रोल का बटन हम लोग यूज करते हैं। आया समझ में। नाउ नेक्स्ट इज लेबल द पार्ट्स ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, ये पिक्चर का पार्ट्स का नाम दो, व्हाट इज दिस कॉल्ड, लेफ्ट बटन, इसे लेफ्ट बटन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्क्रोल व्हील, इसे क्या कहते हैं, राइट बटन, आया समझ में। विच माउस बटन विल यूज टू मूव अ पेज डाउन, माउस का कौन सा बटन आप पेज को डाउन करने के लिए यूज करते हैं, विच माउस बटन विल यू यूज टू मूव अ पेज डाउन, पेज डाउन करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं, स्क्रोल व्हील, कौन सा, स्क्रोल व्हील। विच माउस बटन विल यू क्लिक टू सिलेक्ट एन आइटम, विच माउस बटन विल यू क्लिक टू सिलेक्ट एन आइटम, कोई भी आइटम सिलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं, लेफ्ट बटन, आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है, लेफ्ट बटन। हाउ मेनी टाइम्स विल यू प्रेस द माउस बटन टू ओपन एन आइटम, कोई भी आइटम को ओपन करने के लिए आपको माउस का बटन कितनी बार दबाना पड़ता है, ट्वाइस, कितनी बार, ट्वाइस, दो बार दबाना पड़ता है, ट्वाइस। हाउ मेनी टाइम्स विल यू प्रेस द माउस बटन टू द ओपन एन आइटम, ट्वाइस, दो बार। नाउ लास्ट टॉपिक, टच पैड इन लैपटॉप, लैपटॉप में टच पैड, अ लैपटॉप हैज टच पैड, अ लैपटॉप हैज टच पैड विच फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक अ माउस, अ लैपटॉप हैज टच पैड विच फंक्शन एग्जैक्टली लाइक माउस, लैपटॉप का जो टच पैड होता है वो टच पैड किस तरह से काम करता है,
माउस की तरह, किसकी तरह काम करता है, माउस की तरह, आया समझ में? नाउ टच पैड पे क्या होता है, टच पैड होता है, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, आया समझ में? उसमें भी माउस जैसा ही काम होता है, मूविंग अ पॉइंटर, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड स्क्रोल, आया समझ में? थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट फर्स्ट. Now we will come on the next session, worksheet second. Thank you.